Hello students, my name is Amit and today we will discuss about the anatomy of pancreas. So what is pancreas? So it is the lobular gland of digestive system. ये जो pancreas होता है ये digestive system की lobular gland होती है. Lobular gland का मतलब जिसमें lobules होते हैं. So it is the lobular gland of digestive system. It is located behind the stomach. इसकी जो location होती है वो stomach के just पीछे होती है. It is approximately 15 to 25 centimeter long. ये जो इसकी length होती है वो 15 से 25 centimeter तक हो सकती है. It secretes the pancreatic juice. अब pancreas के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये pancreatic juice secrete करता है. ये पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है? ये एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है जिसकी पीएच 8.4 होती है. इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे. सो यहाँ डायग्राम मैंने दिया हुआ है. इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ. सो यहाँ हम देख सकते हैं ये मैंने क्लियर कर दिया पूरा. जो पैंक्रियाज है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइडेड है. तीन पार्ट का मतलब एक देखिए फर्स्ट पार्ट है टेल. या इधर से स्टार्ट करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये हेड है. ये हेड जो है ये ड्यूडेनम जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट उससे देखिए ये जुड़ा हुआ है और पैंक्रियाटिक जूस को डायरेक्टली इस ड्यूडेनम में सिक्रीट कर रहा है या ड्यूडेनम में जाने दे रहा है. और सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ें तो देखिए थोड़ा सा एक्सटेंड पार्ट है जिसका नाम है बॉडी. और लास्टली ये जाकर थोड़ा सा कर्व हो रहा है या यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखिए कम हो रही है तो इस पार्ट को हम बोल रहे हैं टेल. तो ये जो पैंक्रियाज है मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. हेड जो कि ड्यूडनम से अटैच है, दूसरा पार्ट जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है बॉडी, एंड थर्ड पार्ट इज टेल जो इसका लास्ट पार्ट है. इसके अलावा इसमें हम बीच में देख सकते हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि ये एक लोबुलर ग्लैंड है. सो लोबुलर ग्लैंड का मतलब जिसमें लोब्यूल्स होते हैं. अब लोब्यूल्स कहाँ पर हैं तो ये देखिए इसमें कुछ वेव्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. इसकी लाइनिंग की अगर बात करें तो कुछ लाइनिंग टाइप की हैं दोनों ओर. तो इन्हीं लाइनिंग को ही बोलते हैं लोब्यूल्स. ये लोब्यूल्स होने की वजह से इसको लोबुलर ग्लैंड बोलते हैं. इसके बीच में देखिए जहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस वगैरह का सिक्रीशन होता है. सो यहाँ पर कुछ डक्ट्स होते हैं. ये जो एक वेन जा रही है जिससे ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको बोल रहे हैं पैंक्रियाटिक डक्ट. और ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है फर्दर एक्सटेंड हो रहा है ये बाइल जूस जो आ रहा है आपके गॉल ब्लैडर से इसके साथ देखिए अटैच हो रहा है. ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये सिक्रीट कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस को. और ये जो गॉल ब्लैडर है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये सिक्रीट कर रहा है जो बाइल जूस होता है जो लीवर से फॉर्म्ड होता है वो उसको. और दोनों जो यहाँ आकर मिल रहे हैं ठीक है तो इसको बोल रहे हैं जहाँ पर दोनों चीज़ अटैच हो रही हैं ये पैंक्रियाटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट जहाँ पर ये अटैच हो रहा है इस साइड का नाम है कॉमन बाइल डक्ट. आई होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. ये बाइल डक्ट हो गया और ये पैंक्रियाटिक और जहाँ पर ये अटैच हो रहे हैं इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट. इसके अलावा पैंक्रियाटिक डक्ट तो ये आपने देख लिया, बाइल डक्ट देख लिया, कॉमन बाइल डक्ट आप समझ गए, गॉल ब्लैडर कहाँ पर इसकी लोकेशन है ये आपने देख लिया. इसके अलावा देखिए इस स्ट्रक्चर में एक और पार्ट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. इस एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट का काम है इसके थ्रू जो है जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो ड्यूडनम में एंटर करता है. फिर इसके अलावा ड्यूडनल पैपिला है जहाँ से ये एंटर करता है, जहाँ से ये पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडनम में एंटर कर रहा है इस गेट को, इस चैनल को या इस ओपनिंग को बोल रहे हैं ड्यूडनल पैपिला. ओके आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. और ये तो ड्यूडनम आपकी है, ड्यूडनम मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो फर्दर हम इसी डायग्राम के बारे में कंटिन्यू करते हैं. सो हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास की ओर बढ़ते हैं. हिस्टोलॉजी में हम क्या जानेंगे, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स एंड डक्ट्स, जो हमने देखा कि उसमें कुछ पैंक्रियाटिक डक्ट्स से और कुछ सेल्स थी. सो ये सेल्स और डक्ट्स से मिलकर बना होता है पैंक्रियास जो है. डक्ट्स कैसे होते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री डक्ट्स.
इसमें तीन तरह के डक्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट क्या करता है? सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा डक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ये क्या होता है? ये कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं पैंक्रियाज में। देखिए अगर दोबारा से स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो बीच वाली कैनाल जा रही है, कुछ ये ट्यूब टाइप की जा रही है, इसको बोल रहे थे पैंक्रियाटिक डक्ट। और साथ में ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको बोल रहे हैं एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये आपको इसमें जो अंतर है एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट में, वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पर बाइल जूस का जो डक्ट था जिससे बाइल जूस आ रहा था, और जिससे पैंक्रियाटिक जूस आ रहा था, उसके लिए जो एक डक्ट था जहाँ पर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, उस साइड को बोल रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पर बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस से मिलता है। अब इसके अलावा ये तो हो गई डक्ट की बात, अब सेल्स की ओर बढ़ते हैं। द पैंक्रियाटिक सेल कंसिस्ट, ये कितने टाइप की देखिए सेल्स होती हैं, तो दो टाइप की सेल्स होती हैं। पहला है एसिनार सेल। एसिनार सेल क्या होता है? एक तरह से हम इन सेल्स को फंक्शनल यूनिट मान सकते हैं पैंक्रियास की। ये एसिनार सेल करती क्या है? प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा है इसमें डक्ट सेल। डक्ट सेल का क्या रोल होता है? प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा जो थर्ड एक इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स का क्या रोल होता है? तो पैंक्रियास कंटेन्स द पैंक्रियाटिक आइलेट्स विच सिक्रीट इंसुलिन ग्लूकोजन सोमेटोस्टेटिन एट्सेट्रा इन ब्लड वेसल थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैंक्रियाटिक आइलेट होते हैं ये इंसुलिन ग्लूकोजन सोमेटोस्टेटिन ये इत्यादि का ब्लड वेसल में पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें जो पहले आपको डायग्राम दिखाया था उसी के जैसा ये डायग्राम है। ये आपकी ड्यूडनम की वॉल हो गई, ये आपका हो गया पैंक्रियाटिक डक्ट जो हरे कलर की आपको ग्रीन कलर की कैनाल दिखाई दे रही है, और इससे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इनको हम बोल रहे हैं एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। इसके अलावा इसमें देखिए कुछ सेल्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इन ब्रांच से जुड़े हुए हैं। जो एक्सेसरी डक्ट है उसी में आगे उनके एंड की अगर बात करें तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर ये एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़े हुए हैं, और ये अंदर से ऐसे कुछ सेल्स से घिरे हुए होते हैं। ये जो हैं इनको बोल रहे हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स। इनको क्या बोल रहे हैं? एसिनार सेल्स। ये एसिनार सेल जो होती हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ भी है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का पैंक्रियाज में सिक्रीशन करती हैं ये एसिनार सेल, जो एंड में इन ब्रांचेस से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा कुछ अदर सेल्स होती हैं, देखिए ये स्टार शेप सेल हमें जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं जो पूरी सेल में फैली हुई हैं। ये कुछ इस तरह की स्टार शेप मान लीजिए सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ये पैंक्रियाटिक आइलेट जो हैं ये तीन तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। एक तो इसमें अल्फा सेल्स का अरेंजमेंट होता है, दूसरा बीटा सेल का अरेंजमेंट होता है, और दूसरा एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो इनके थ्रू ये जो है इंसुलिन ग्लूकोजन या सोमेटोस्टेटिन जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रीशन करती हैं। आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं फंक्शन ऑफ पैंक्रियास की ओर। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैंक्रियास? सो इट परफॉर्म्स द ड्यूअल फंक्शन। अब ये जो फंक्शन होते हैं इसके ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, वन इज एंडोक्राइन फंक्शन और सेकेंड वन इज या अनदर वन इज एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पैंक्रियास होता है ये दोनों तरह की ग्लैंड में कंसीडर किया जा सकता है, एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन, बिकॉज इसमें दोनों तरह के फंक्शन होते हैं। अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन आप समझते होंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अगर ग्लैंड्स में आप अंतर जानते हैं तो इन फंक्शन को आप आसानी से समझ सकेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। सो एंडोक्राइन फंक्शन में क्या होता है? इट कंसिस्ट पैंक्रियाटिक आइलेट, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखाया कि पैंक्रियाटिक आइलेट थे स्टार शेप सेल्स थी जो कि इंसुलिन वगैरह का सेक्रेशन कर रही थी, वो
कितनी सेल्स को कंटेन करते हैं अभी मैंने आपको दिखाया अभी, तो इसमें चार तरह की सेल्स थी। एक आपको उसमें दिखाई मैंने अल्फा सेल, अल्फा सेल जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लूकोजन के सिक्रीशन के लिए। दूसरी बीटा सेल, बीटा सेल जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के लिए। तीसरी है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल रिस्पॉन्सिबल है सोमेटोस्टेटिन के लिए। और चौथी है डी टू सेल जो उस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दे रही थी, ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स की जो कंपोजिशन होती है उनकी सेल्स की ये बात हो रही है। चौथी है आपकी डी टू सेल, ये डी टू सेल जो होती है ये क्या करती है वैसो एक्टिव इनहिबिट पॉलीटेप पेप्टाइड नाम का एक सिक्रीशन देती है जिसे हम शॉर्ट में VIP भी बोलते हैं। तो चार तरह की सेल्स आपने देखी जिनसे पैंक्रियाटिक आइलेट का निर्माण होता है या कंपोजिशन होती है उसकी, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और डी टू सेल। ये चारों सेल अलग अलग सिक्रीशन देती हैं। इसके अलावा इसका एक्सोक्राइन फंक्शन कैसा होता है, सो इट कंसिस्ट एसिनार सेल। हमने स्ट्रक्चर में भी देखा कि एसिनार सेल जो थी जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर थे उनके लास्ट में या उनके एंड में अटैच थी कुछ बलून टाइप के स्ट्रक्चर जिनको हम एसिनार सेल बोल रहे थे। वो क्या करती हैं, ये कुछ एंजाइम्स को कंटेन करती हैं। देखिए मैं छोटा कर देता हूँ डायग्राम, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। पहला है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन के अलावा काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोलिपेस, एलास्टेस, डीएनएस, आरएनएस, ये जितने भी छः टाइप के हॉर्मोन्स हैं या छः टाइप के जो सिक्रीशन हैं ये किसके थ्रू होता है, पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन के थ्रू। ये इनका सिक्रेशन पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये पैंक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन आसानी समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मैंने आपको लीवर के फंक्शन में भी बताया कि गॉल ब्लैडर क्या काम करता है। गॉल ब्लैडर का केवल एक काम होता है, जो बाइल लीवर से प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको स्टोर करने का काम, और साथ में यही एक साइट भी होती है जिसमें जो बाइल का प्रोडक्शन हुआ है उसको कंसंट्रेट किया जाता है। बिकॉज जो लीवर प्रोडक्शन करता है बाइल का उसमें काफ़ी हद तक वाटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वो डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। उसके बाद जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होती है इसकी, उसके बाद ये डाइल्यूटेड फॉर्म से कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो गॉल ब्लैडर होता कैसा है, सो इट इज़ अ पियर शेप्ड ऑर्गन। पियर शेप का मतलब जैसे नाशपाती होती है उस शेप या उड़ते हुए बैलून की शेप की जैसा इसका शेप होता है। इट इज़ नियरली 8 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन विड्थ। जो इसकी लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है। गॉल ब्लैडर इज कंप्राइज्ड ऑफ फंडस, बॉडी एंड नेक। ये तीन रीजन्स में डिवाइडेड होता है, फंडस, बॉडी एंड नेक। ये जो फंडस, बॉडी और नेक है ये हमने स्टमक के रीजन में भी सेम वर्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सो इसके स्ट्रक्चर में हम ये तीनों पार्ट्स को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टोर्स द रिलीजियस बाइल इन टू द इट स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू प्रोसेस द डाइजेशन। मतलब जो लीवर से बाइल का प्रोडक्शन हुआ उसको ये स्टोर करता है, ये स्टोरेज साइट है। और दूसरा जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये समय समय पर बाइल को निश्चित मात्रा में सिक्रीट करता है या रिलीज करता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडनम में। इसका अटैचमेंट पॉइंट जो होता है ये ड्यूडनम पैपिला पर होता है, जो कि ड्यूडनम पैपिला जो एक तरह से गेट कह सकते हैं जो कि ड्यूडनम पर अटैच होता है। सो इसका जो पार्ट है बॉडी, फंडस एंड नेक, ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर फंडस है, ये जो ऊपर का पार्ट है बलून टाइप का इसको फंडस बोल रहे हैं, बीच वाले मीडियल पार्ट को हम बॉडी बोल रहे हैं, और जहाँ पर ये सिकुड़ रहा है, जहाँ पर इसकी विड्थ कम हो रही है इसको नेक बोल रहे हैं। तो ये तीन पार्ट इसके हो गए। इसके अलावा ये जो नेक वाला पार्ट होता है, कई बार आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, जो ये स्टोन की साइट होती है ये इसका नेक वाला ही पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, नेक वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हार्टमैन लोब्यूल। ये हार्टमैन लोब्यूल जो होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर जो बाइल साल्ट्स होते हैं या कुछ बाइल साल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनके थ्रू स्टोन जैसा कुछ हार्ड मटेरियल वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम गॉल ब्लैडर का स्टोन बोलते हैं।
सो नेक्स्ट इसमें क्या है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक डक्ट का मतलब ये हुआ, जो हिपैटिक मतलब लीवर से जो भी बाइल आ रहा है वो इसी कैनाल से होते हुए इसके अंदर स्टोर हो रहा है। दूसरा है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट का मतलब हुआ कि ये यहाँ से सिस्ट मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो सिक्रीशन होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो डिपोजिशन होता है वो इसी सिस्टिक डक्ट के थ्रू आते जाते हैं और यहाँ पे नेक वाले रीजन पर डिपॉजिट होते जाते हैं। आई होप कि आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें नीचे देखिए कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट मैंने बताया कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट होता है और बाइल डक्ट होता है जहाँ पर फ्यूज होते हैं उनको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इसका काम होता है स्टोर करना बाइल को और समय समय पर रिलीज करना जब भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन सच एज, फर्स्ट फंक्शन है इसका स्टोरेज फॉर बाइल। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका स्टोरेज फॉर बाइल। सो मतलब क्या हुआ, ये बाइल का स्टोर करता है। दूसरा क्या है, एसिड मेटाबॉलिज्म। ड्यू टू एल्कलीन नेचर ऑफ बाइल इट न्यूट्रलाइजेस द HCl एसिड। मैंने आपको बताया कि जब बाइल का प्रोडक्शन होता है लीवर के थ्रू तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, या उसकी जो पीएच होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एल्कलीन नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, और ये उसको न्यूट्रलाइज करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है HCl एसिड को। तो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड हम बोल सकते हैं वो इस गॉल ब्लैडर के थ्रू ही होता है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इसका थर्ड फंक्शन होता है। सो बिलीरुबिन अलोंग विद द अदर वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द बॉडी वाया फीसेस। जो बिलीरुबिन होता है बाइल में वो और जो अलग वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं इसी बाइल जूस के साथ फीसेस की फॉर्म में, पीसीएस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। आई होप कि आपको फंक्शनिंग प्लस एनाटॉमी उसकी समझ में आ गई होगी गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास की। सो इसी के साथ थैंक यू।